पंजाब के मानसा जिले में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का आरोपी गैंगस्टर दीपक टीनू मानसा जिले में पुलिस हिरासत से फरार हो गया। आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को इसका खुलासा किया। सूत्रों के मुताबिक टीनू को पकड़ने के लिए तलाश अभियान शुरू किया गया है। शनिवार रात मानसा पुलिस की ओर से एक अन्य मामले में गोविंदवाल साहिब जेल से पेशी वारंट पर उसे एक स्थानीय अदालत ले जाने के दौरान वो फरार हो गया। दीपक टीनू गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी है। मूसेवाला की हत्या मामले में बिश्नोई मुख्य आरोपी है। इस घटना के बारे में पूछे जाने पर पटियाला रेंज के महानिदेशक मुखविंदर सिंह छिना ने कहा कि पुलिस की टीम प्रयास कर रही है और हम उसे जल्द ही पकड़ लेंगे। छिना के पास वर्तमान में बठिंडा रेंज के आईजी का भी अतिरिक्त प्रभार है। पंजाब के मानसा जिले में 29 मई को मूसेवाला के नाम से मशहूर पंजाबी गायक शुभदीप सिंह सिद्धू की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मूसेवाला की हत्या के बाद बिश्नोई गिरोह के सदस्य गोल्डी बराड ने हत्या की जिम्मेदारी ली थी। तीनों उन 24 आरोपियों में शामिल है जिनके खिलाफ हत्या के इस मामले में आरोप पत्र दाखिल किया गया। सिद्धू मूसेवाला की हत्या मामले में बीते दिनों एक सनसनीखेज खुलासा हुआ था। बताया गया था कि मूसेवाला के मर्डर का सौदा 1 करोड़ रुपए में हुआ था। इसमें हर शार्प शूटर को 5-5 लाख रुपए मिले थे, बाकी पैसा दूसरे मददगारों को मिला। हत्या से पहले शूटर्स ने इसके लिए पूरी प्लानिंग कर रखी थी। सिद्धू मूसेवाला अपने गानों में जिन विदेशी हथियारों और AK-47 का जिक्र करते थे, शूटर्स के लिए उन्हीं हथियारों को मंगवाया गया। 29 मई को हत्या से करीब एक सप्ताह पहले शूटर्स ने पंजाब में मानसा के पास एक फार्म हाउस में इसका ट्रायल भी किया था। इसमें उन्होंने हत्या में इस्तेमाल की गई ग्लोक P-30 जिगाना और स्टार पिस्तौल के अलावा AK-47 और ग्रेनेड लॉन्चर को चलाकर ये चेक किया था ये तमाम हथियार ठीक से चल रहे हैं या नहीं। आपको बता दें कि मूसेवाला का 29 मई को मानसा के जवाहर के गांव में कत्ल कर दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने 24 कातिलों के खिलाफ मानसा कोर्ट में चार्जशीट पेश की। इसमें एनकाउंटर में मारे गए शूटर मन्नू और रूपा का भी ब्यौरा है। इसमें विदेश में बैठे गैंगस्टर में अब गोल्डी बराड और लिपिन नेहरा शामिल है। वहीं इस चार्जशीट में 166 गवाह बनाए गए हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।